नमस्ते, मैं प्राध्यापक प्रदीप इजारदा यूनिवर्सल इंग्लिश स्कूल वसमत, यहाँ से मैं आपको कक्षा 90 के लिए कविता पहली, जिसका नाम है चांदनी रात। कविता का नाम है चांदनी रात, और इस कविता के कवि जो है मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ये पहली इकाई की स्टार्ट की कविता है, और ये कविता एक रात के नज़ारे का वर्णन इस कविता में दिया है। सो कविता बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी कविता है। कविता पढ़ने से पहले हम कवि का परिचय देखेंगे। कवि का जन्म है 3 अगस्त 1886, चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु है 12 दिसंबर 1964। परिचय, मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के एक महत्वपूर्ण कवि है। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषता नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं साकेत, ये आपका महाकाव्य है, यशोधरा, जयद्रथवत, पंचवटी, भारत भारती, ये आपके खंड काव्य है, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि आपके नाटक हैं। पद्य संबंधी आप लिखते हैं, खंड काव्य इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यक्ति व्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया गया है। तो इस प्रकार चांदनी रात, ये मैथिली शरण गुप्त जी की कविता हम देखेंगे। पहले शुरुआत में इस कविता का हम थोड़ा सा गायन करेंगे। क्या है कविता? चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, चारों चंद्र की पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन की झोंकों से, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, चारों चंद्र की क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या है क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध दिशा, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंधव निरानंद है कौन दिशा, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, चारों चंद्र की बंधन ही अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, बंधन ही अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने कांत भाव से कितने शांत और चुपचाप, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, चारों चंद्र की है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, चारों चंद्र की चंचल किरणें
और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है, चारु चंद्र की चंचल किरणे खेल रही है जल तल में, चारु चंद्र की पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। उसके सन्मुख सी स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना, चारु चंद्र की चंचल किरणे खेल रही है जल तल में, चारु चंद्र की जाग रहा है यह कौन धरनुर जबकि भुवन भर सोता है, जाग रहा यह कौन धरनुर जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, चारु चंद्र की। बच्चों कैसी लगी ये कविता? तो ये कविता हम एक एक करके एक एक स्टांजा का अर्थ इसके दूसरे वीडियो में बताएंगे। तब तक के हम यहाँ पे रुकते हैं, बाय।